नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कृपया पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें, हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखें। आज हम आपको बताएंगे पत्तल पर खाना खाने के अद्भुत लाभ के बारे में। भारत में सदियों से विभिन्न वनस्पतियों के पत्तों से बने पत्तल संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा रहे हैं। ये पत्तल अब भले विदेशों में लोकप्रिय हो रहा है, भारत में तो कोई भी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्सव इनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। इन समारोहों में आने वाले अतिथियों को इन पत्तलों पर ही भोजन परोसा जाता था, परंतु अब ये पत्तल खत्म होने लगी हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में भी अब पत्तों से बने पत्तलों का चलन धीरे धीरे कम होने लगा है। ग्रामीण इलाकों में तो पत्तलों पर भोजन की परंपरा अब भी कुछ हद तक बरकरार है, लेकिन शहरों में इसकी जगह कांच या चीनी मिट्टी, प्लास्टिक, थर्मोकोल की प्लेटों ने ले ली है। विभिन्न समारोहों में बुफे पार्टी का प्रचलन बढ़ने की वजह से भी पत्तों से बने पत्तल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। भारत में पत्तल बनाने और इस पर भोजन करने की परंपरा कब शुरू हुई, इसका कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह जानकर किसी को भी हैरत हो सकती है कि देश में किसी दौर में 20,000 से ज्यादा किस्म की वनस्पतियों की पत्तियों से पत्तल बनते थे, लेकिन आधुनिकता की बढ़ती होड़ ने इस उद्योग को समेट दिया है। अब खासकर शहरी इलाकों में पत्तल पर भोजन की परंपरा दम तोड़ती जा रही है। अब जानिए प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी प्लेटों पर खाने के नुकसान के बारे में। स्वास्थ्य विशेषज्ञ पत्तल की जगह प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी प्लेटों में भोजन को स्वास्थ्य के प्रति नुकसानदेह बताते हैं। उनका कहना है कि डिस्पोजेबल थर्माकोल की प्लेट में खाना खाने से उसमें मौजूद केमिकल भोजन के साथ मिलकर पाचन क्रिया पर प्रभाव डालते हैं। इससे कैंसर की आशंका होती है। इसी तरह डिस्पोजेबल गिलास में मिलाए गए केमिकल का छोटी आंत पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी केले के पत्तल पर भोजन की परंपरा का जिक्र मिलता है। अब तो महंगे होटलों और रेस्टोरेंट में भी प्लेटों पर केले के पत्ते रखकर भोजन करने की परंपरा बढ़ रही है। यदि हम आपसे पूछे कि आप सोने या चांदी के बर्तन में खाना खाए, तो आप में से बहुत से लोग इस बात पर सहमत नहीं होंगे। परंतु पत्तल पर खाना खाने से हमें सोने चांदी के समान गुण की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पत्तल पर खाना खाने से हमें कौन से लाभ होते हैं। पत्तल पर भोजन के अनगिनत लाभ हैं। जिन पत्तों से पत्तल बनते हैं उनमें अनगिनत औषधीय गुण होते हैं। पलाश के पत्तल में भोजन करने से सोने के बर्तन में भोजन करने का लाभ मिलता है। केले के पत्तल में भोजन करने से चांदी के बर्तन में भोजन का लाभ मिलता है। खून की अशुद्धता की वजह से होने वाली बीमारियों में पलाश के पत्तल पर भोजन को लाभदायक माना गया है। पाचन तंत्र संबंधी रोगों में भी इस पत्तल पर भोजन की सलाह दी जाती है। सफेद फूलों वाले पलाश के पत्तों से तैयार पत्तल पर भोजन करने से बवासीर यानी पाइल्स के मरीजों को लाभ होता है। इसी तरह पैरालिसिस या लकवाग्रस्त मरीजों को अमलतास की पत्तियों से तैयार पत्तल में भोजन की सलाह दी जाती है। जोड़ों के दर्द से परेशान मरीजों को करंज की पत्तियों से बनने वाले पत्तल में भोजन की सलाह दी जाती है। पीपल के पत्तल में भोजन मंदबुद्धि बच्चों के इलाज में कारगर साबित होता है। पत्तल में खाने के अन्य लाभ। सबसे पहले तो उसे धोना नहीं पड़ेगा, इसको हम सीधा मिट्टी में दबा सकते हैं। न पानी नष्ट होगा, न ही काम वाली रखनी पड़ेगी, मासिक खर्च भी बचेगा। न केमिकल उपयोग करने पड़ेंगे, न केमिकल द्वारा शरीर को आंतरिक हानि पहुंचेगी। अधिक से अधिक वृक्ष उगाए जाएंगे, जिससे कि अधिक ऑक्सीजन भी मिलेगी, प्रदूषण भी घटेगा। सबसे महत्वपूर्ण, झूठे पत्तलों को एक जगह गाड़ने पर खाद का निर्माण किया जा सकता है एवं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। पत्तल बनाए वालों को भी रोजगार प्राप्त होगा। सबसे मुख्य लाभ, हम नदियों को दूषित होने से बहुत बड़े स्तर पर बचा सकते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो पानी हम बर्तन धोने में उपयोग कर रहे हैं, वह केमिकल वाला पानी पहले नाले में जाएगा, फिर आगे जाकर नदियों में ही छोड़ दिया जाएगा।
जो जल प्रदूषण में हमें सहयोगी बनाता है। विदेशों में पत्तल का उपयोग। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में भले ही सदियों पुरानी यह परंपरा बदल रही हो, विदेशी इसे बड़े चाव से अपना रहे हैं। खासकर यूरोप के प्रमुख देश जर्मनी में तो पत्तलों पर भोजन की परंपरा काफी लोकप्रिय हो रही है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वहां इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और अब उसकी देखा देखी दूसरे यूरोपीय देश भी पत्तलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब हमें भी स्वास्थ्य हेतु जागृत होना पड़ेगा। पत्तल में खाना खाने से बहुत से रोग ठीक होते हैं, जिसके लिए हमें एलोपैथी की दवाओं की भी आवश्यकता नहीं होगी। पत्तल के बहुत औषधीय गुण हैं, इसलिए यह हमारी संस्कृति का हिस्सा हमेशा से रहा है। अब हमें भी पत्तल का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इसके लाभ पता हो और वह भी इसका इस्तेमाल करके स्वयं को स्वस्थ रखें। हमें अपना विचार बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपना समर्थन दें। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।